आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन मॉडुलेटेड सिग्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई के हवाले से तो प्लीज ध्यान दीजिएगा पूरा बहुत ही छोटा वीडियो है अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखें तो प्लीज अंडर मॉडुलेशन क्रिटिकल मॉडुलेशन ओवर मॉडुलेशन का वीडियो जरूर देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे इस साइड पे जो है लेफ्ट साइड पे आपके स्क्रीन पे टाइम डोमेन में सिग्नल है मतलब टाइम के साथ एम्पलीट्यूड बनाया हुआ है और ये एम्पलीट्यूड है इस साइड पर बनाया हुआ एम्पलीट्यूड और जो इस साइड पर बनाए हुए हैं राइट right साइड पर दिस इज एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी है जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर जब हमने सिंगल टोन और मल्टी टोन का बोला था कि अगर कोई सिग्नल ना साइन वेव है ना कोसाइन वेव है तो वो एक मल्टीटोन सिग्नल है मतलब उसमें बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज है जैसे आप देख रहे हैं जो मैंने मैसेज सिग्नल बनाई हुई है ये एम एफ टी है ये ना साइन सिग्नल है ये ना कोसाइन सिग्नल है तो मैंने खुद से ले लिया कि एक ऐसी सिग्नल है जिसमें फ्रिक्वेंसी कॉम्पोनेंट होगा फ्रॉम जीरो टू तो ओमेगा एम जीरो होगा सबसे छोटा और ओमेगा एम होगा सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी अब आप बोलोगे नेगेटिव साइड में भी है नेगेटिव साइड होता है सिर्फ मैथमेटिकल के लिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ पर नेगेटिव का कोई मतलब होता नहीं है तो अपर फ्रीक्वेंसी और एक बैंड ब्रिथ होती है सिग्नल की अगर हम बैंड ब्रथ देखें मैसेज सिग्न इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेट है ओमेगा एम और लोअर फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेट है जीरो तो इसकी बैंडविड्थ है ओमेगा एम के बराबर ठीक है उसके बाद जो मैंने कैरियर सिग्नल ली ओमेगा जो हम नॉर्मली कैरियर सिग्नल ले लेते हैं सी ओमेगा सीटी तो अब मैंने ए सी के बदले यहाँ पे ले लिया है टेन और यहाँ पे माइनस टेन ठीक है अगर मैं इस जो हमने बनाया हुआ इसका मैं पूछूं आपसे मॉडुलेशन इंडेक्स किसके बराबर है तो मॉडुलेशन इंडेक्स इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल जो कि है फाइव डिवाइडेड बाई ऑफ कैरियर सिग्नल दैट इज इज जीरो पॉइंट फाइव मतलब अंडर क्या आता है वन दैट मीन ये कौन सी मॉडुलेशन है ये हमारी अंडर मॉडुलेशन है उसके बाद मैंने कैरियर सिग्नल बनाई कैरियर सिग्नल मैंने बनाई ठीक है इसका एक कॉन्स्टेंट है पुता होता है जो हम पीक्स को ज्वाइन करेंगे ठीक है ऐसे यहां से निगेटिव साइड पे माइनस टेन तो हमें जब मॉड्यट वे फॉर्म बनानी पहले टेन पे एन लाइन और माइनस टेन पे भी डॉट लाइन उसके बाद जो मेरी सिग्नल यहाँ पे जीरो पे बनी हुई है वो अब मैं बनाऊंगा टेन पे तो बस दैट मीन ये पॉइंट होगा मेरा फिफ्टीन और ये पॉइंट होगा माइनस फिफ्टीन ये उल्टे साइड से बनानी होगी तो ये मेरी बन गई मॉड्यूलेट सिग्नल अब हम देखते हैं क्या होता है हम कैसे ये सिग्नल जनरेट करते हैं देखो कैसे होती है मॉडुलेटेड सिग्नल जनरेट ये जो मेरी मैसेज सिग्नल है एम ऑफ टी इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉस ओमेगा सी टी से किससे कॉस ओमेगा सी टी से तो जो हमारी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ये वाली सिग्नल इसकी फॉर्मूला होती है एम ऑफ टी को मल्टीप्लाई किया गया कॉस ओमेगा सी टी से और इसको प्लस किया ए सी कॉस ओमेगा सी टी ठीक है एक तो एम ऑफ टी जो मेरी मैसेज सिग्नल है जो मेरी मैसेज सिग्नल है इसको मल्टीप्लाई किया कॉस ओमेगा सीटी से जो कि कैरियर का कॉम्पोनेंट है विदाउट इट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और प्लस करते हैं ए सी कॉस ओमेगा सीटी से इसलिए हम कहाँ जा रहे थे यहाँ पे टेन पे बनाने के लिए मैसेज सिग्नल को तो ये जो मेरी है ये सॉलिड लाइन से है जो वही है मेरी मॉड्यूलेटर सिग्नल ये मैं बना रहा हूँ डॉटेड लाइन से यह एनवेलप होता है और एनवेलप में मेरी होती है मैसेज सिग्नल और यही मैं डिटेक्ट करता हूं अब देखो ये है मेरा मल्टीटोन सिग्नल जिसमें फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जीरो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एम उसके बाद जो दूसरी सिग्नल है विच इज कैरियर सिग्नल इसकी फॉर्मूला है ए आपको पता है एसी सीटी को लिख सकते हैं सीटी लेकिन माइनस ओमेगा सी वाला हम लेते नहीं है क्योंकि यह है सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो ओमेगा सी पे एक फ्रिक्वेंसी होगी मैंने कहा क्योंकि ये आपको दिख रही है ये एक नॉर्मल कोसाइन वेव है और ये नॉर्मल वेव है तो इसीलिए इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेट है विच इज एट प्लस ओमेगा अब जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो कैसे हमें मिलती है वो हमें मिलती है मैसेज सिग्नल नीचे जो फॉर्मूला लिखी हुई है मैसेज सिग्नल यहाँ पे जो आपको इसको हम ऐसे लिख हैं, एस ए एम ऑफ टी मैसेज सिग्नल इन टू कैरियर प्लस कैरियर मैसेज इन टू कैरियर प्लस कैरियर सीधे ये हमारी मिलती है क्या ये हमारी होती है मैसेज मॉड्युलेटेड सिग्नल जो हमारी मैसेज है ना वो यहाँ पे छुपी होती है जो मेरा ये है क्योंकि यही मेरी मैसेज है जब मैं इस सिग्नल को मल्टीप्लाई कराता हूं कॉस ओमेगा तो ये सारा ये जो ट्रायंगल है यही हो जाता है रेप्लीकेट कहाँ प्लस ओमेगा सी पे और माइनस ओमेगा सी पे ऑल दो सी इन टू कॉन्ट्रेशन माइनस बना इस साइड पे जो जिसमें मेरी मैसेज है लेकिन कुछ पोर्शन बना इस साइड पे भी ठीक है और ये जो स्पाइक है ये किसकी है ये जो मैंने स्पाइक बनाई ना यहाँ पे ए सी बाई टू ये है इसकी क्यों एम टी इन ए सी कॉस ओमेगा सी टी जब हम करते हैं तो हमें मिलता है यही जो हमारी मैसेज सिग्नल है वही आप बनती है ओमेगा सी पे और ए सी प्लस ए सी कॉस ओमेगा सी टी का मतलब मुझे ये वाला स्पाइक मिलना चाहिए मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो हमें यहाँ पे मिल रहा है विच इज ए सी बाई टू तो अब जो ओमेगा अब हम यहां पे था ओमेगा एम अगर मैं पूछूं बैंडविड्थ ऑफ मॉड्युलेटेड सिग्नल बैंड मॉड्युलेटेड सिग्नल आएगा बराबर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो क्या है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि है यहां पे ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इनकी जब कैंसिलेशन करेंगे तो हमें बैंड विथ मिलेगी टू टाइम्स ओमेगा एम दैट मीन जो हमारी मॉड्यूलेटेड सिग्नल होती है एफएम सिग्नल जो मॉड्यूलेटेड होती है उसकी बैंड होती है टू टाइम्स द मैसेज सिग्नल बैंड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज टू टाइम्स द बैंड ऑफ द मैसेज सिग्नल जो हमारा ओमेगा सी से ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम तक है ओमेगा सी से यहां पे आप देखिए ये जो है ओमेगा सी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम ये वाला पोर्शन इसको हम बोलते हैं अपर साइड बैंड ठीक है और जो हमारा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टू ओमेगा सी मतलब ये वाला पोर्शन इसको हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड जो हमारी मैसेज है वो इसमें क्रिएट है इसमें कंटेंट है ये क्या है हमारा साइड बैंड ये दोनों जो, मतलब जो हमारी मैसेज है वो साइड बैंड्स में होती है किस में होती है साइड बैंड्स में ठीक है तो ये था सारा फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज डेफिनेटली आप चैट बॉक्स सॉरी क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अगर कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली भी अप्रोच कर सकते हैं मुझे यू कैन मेल मी एट यू कैन मेल मी एट मैं अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ आई एन ए Y A T S H A H 599 at gmail.com okay. thank you so much for being so patient. Allah hafiz